हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल क्लासेस। मैं अनुराग कुमार, फैकल्टी सिग्नल और सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम, ये आपका क्या है? सिग्नल और सिस्टम का ये क्लास है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या सर, तो इस पे बात करना जरूरी है। देखिए, पिछले क्लास में बताए थे इवन और ऑड नंबर्स, इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका है और वो है आपका एनर्जी एंड पावर सिग्नल। आपका एनर्जी और पावर सिग्नल, सर एनर्जी सिग्नल क्या होता है और सर पावर सिग्नल क्या होता है, इसमें किस तरह का सिग्नल को हम इंक्लूड करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे सर। तो जी बिल्कुल, इसमें हम बात करेंगे एनर्जी सिग्नल क्या होता है। सबसे पहले बात ये एनर्जी सिग्नल क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है एनर्जी सिग्नल का। अ सिग्नल इज सेड टू बी एनर्जी सिग्नल इफ इट हैज फाइनाइट एनर्जी एंड जीरो एवरेज पावर। सर ये समझ नहीं आ रहा है कि जीरो एवरेज पावर आप क्यों लिखी, और ये एवरेज पावर क्या है? पावर में दिए एवरेज, ये तो पहली बार सुन रहे हैं सर। तो जी बिल्कुल, पावर में दिए एवरेज किस तरह का होगा सर? जैसा कि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, T बराबर W बटा T, और वर्क को हम रिलेट करते हैं सर किसे, एनर्जी से सर। क्यों? क्योंकि सर अगर हम बात करें जनरल टाइप का उसके काम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कुछ कॉस्ट आएगा, कुछ हमारे पास पैसा आएगा, और वो पैसा काम किए उसके बदले में सपोज एक दिन का 50 रुपये सर, अगर आप मार्केट में निकलेंगे ना, मार्केट में जब निकलेंगे तो यही 50 रुपये क्या होगा सर, आपका एनर्जी हुआ। और एनर्जी का हम लॉस करके हम कुछ इन्वेस्ट करके हम कुछ भी हासिल करते हैं, जैसे 50 रुपये में 25 रुपये का सर, 25 रुपये का हम समोसा खरीद लिए, बहुत ज्यादा फेमस है सर, 25 का क्या खरीद लिए, समोसा खरीद लिए, बाकी 25 बच गया सर, क्या करेंगे? तो 25 का सर हम करेंगे क्या, 25 का जो जरूरी सामान है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान है, उसको हम खरीदेंगे। ये क्या है सर, एनर्जी की तो जिसको हम क्या किए, लॉस किए, और किस रिस्पेक्ट पे, तो यहाँ पे 25 रुपये का लॉस यहाँ किया, 25 का यहाँ किया, इसलिए बदले में क्या मिला, हमने कुछ और को होता है। अब हम इसे इंजीनियरिंग फील्ड से हम इसको रिलेट करेंगे, वो किस तरह से रिलेट करेंगे, सपोज हम कुछ काम किए, तो काम जो डन होता है सर, आप ये बताइए काम किए, काम तो बहुत तरीका का होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एक प्रकार का काम है, और इसके बदले में आप लोग जो कॉस्ट थोड़ा पे कर रहे हैं वो हमारी ऊर्जा, वो क्या है सर, एनर्जी के रूप में उसको हम दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग वर्क को डायरेक्टली हम लोग एनर्जी के रूप में हम लोग फिजिक्स में साइंस में जनरली हम लोग ये पी जो है सर, कितना काम किए सर और कितना देरी में किए सर, इसी पे तो आपका मिलेगा। आप चले गए काम करने के लिए, आप 24 घंटा में सर आप 8 घंटा काम किए तो आपको मिलेगा कितना, यही 8 घंटा जो काम की इसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा भी देने जा रही है, उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। अगर कोई बंदा 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम करता है सर, तो कितना इसको मिलेगा, तो 8 घंटा के कंपेरिजन में 4 घंटा ज्यादा काम किया, इसको पैसा ज्यादा मिलेगा सर। तो ये क्या है, आपका एनर्जी के रूप में हम इसको कंसिडर करते हैं। यहां देखिए एनर्जी सिग्नल के फॉर्म में, सिग्नल आपका जो भी इंफॉर्मेशन उसको कंटेन करके रखता है वो आपका क्या होता है सर, आपका एनर्जी ही तो होता है, जो वोल्टेज के टर्म में, हमारा करेंट के टर्म में हम लोग उसको दिखाते हैं। जैसे कि हम कहें कि सर एक सर्किट बना दें, चलिए सर सर्किट बना लेते हैं, ये आपका सर्किट है और यहाँ पे सर क्या लगा हुआ है, ये लोड लगा हुआ है, आपका ये लोड लगा हुआ है, और लोड किस तरह से काम करेगा, अभी काम करेगा, आपको कमेंट करके बताइएगा अभी काम करेगा। अगर हम थोड़ा देर के लिए बात करें, कमेंट करके जरूर बताना इसका कि काम करेगा कि नहीं, यहाँ अगर लोड के रूप में अगर यहाँ हम फैन का यूज करें, मतलब फैन से आउटपुट लेंगे तो पंखा चलेगा सर, आप लोग का जवाब आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सर एनर्जी नहीं दे रहे, एनर्जी दीजिए
यानी वोल्टेज सोर्स लगा दिया सर। वोल्टेज सोर्स आपका चला गया, लग गया, अब यहाँ से क्या करेगा, करेंट सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब करेंट जब फ्लो करेगा सर तो आपका लोड से आपका लगा ले सकते हैं, जैसे कि फैन है तो फैन आपका ऑन कर ऑन हो जाएगा और वो क्या करेगा हमें हवा प्रदान करेगा। अगर हम इसके जगह पे बल्ब का यूज किए सर तो बल्ब क्या करेगा जलना स्टार्ट। लेकिन सर वो एनर्जी जो अभी ने हीटर के फॉर्म में स्टोर की वो अब उसके फॉर्म में मिल रहा है, तो हमें कन्वेंशनल के फॉर्म में हमारा ट्रांसफॉर्म कर गया सर, और इस तरह से हमारा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर रहा है। लेकिन हम इसका बात नहीं करेंगे, बात हम इसका करेंगे ये सिग्नल को, ये वोल्टेज को सर, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं साइनसॉइडल, साइनसॉइडल। लेकिन सर क्या इसे एनर्जी सिग्नल बोलेंगे, क्या सर इस सिग्नल को एनर्जी सिग्नल हम कहेंगे, यही तो मेरी बात है सर, इसी को तो हमें समझना है कि सर एनर्जी अभी 50 रुपये का बात कर रहे थे हम, 50 में सर 25 का हम समोसा ले लिए, 25 का हम समोसा खरीद लिए सर, और ये 25 देश जो बचा था इसका हम जरूरत का सामान खरीद लिए, 50 का 50 का खत्म हो गया सर। लेकिन सर यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, और ये आपका कहाँ तक चलेगा तो आपका इनफाइनाइट पर चलता हुआ चला गया। तो क्या हमारे पास रखी थी एनर्जी, एनर्जी यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन सर यहाँ एनर्जी खत्म नहीं हो रही है। अगर इसको एक बॉन्डेड में बांध दे तब हम कहेंगे कि हाँ एनर्जी सिग्नल है, लेकिन पीरियोडिक सिग्नल के रूप में अगर देखें इसको वो एनर्जी सिग्नल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह स्टार्टिंग से आपका जो ऑसिलेशन जो है वो इनफाइनाइट तक चल जाएगा, और इनफाइनाइट तक मतलब हमारे पास एनर्जी है तो उसका लॉस, उसका एक लिमिट होगा। अगर हमारा एनर्जी अगर सब कुछ 50 यहाँ है, इसका लॉस होगा तो जीरो होगा, कहीं ना कहीं तो जीरो होगा, लेकिन सर इसमें जीरो के बाद फिर बंद हो रहा है और फिर आपका माइनस वन, और चूंकि हम जानते हैं कि साइनसॉइडल है तो आपका इसका ऑसिलेशन ये कॉस ऑफ साइन का लेते हैं तो प्लस वन और माइनस वन के बीच में ये क्या करता है सर, तो ये ऑसिलेट करते रहता है और इनफाइनाइट टाइम तक चला जाता है। तो एनर्जी तो यहाँ खत्म हो रहा है, एनर्जी यहाँ खत्म नहीं हो रहा सर, ये कैसा सिग्नल होगा सर, तो ये सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल नहीं होगा। किस तरह का एनर्जी सिग्नल होगा उसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि आपका एक सिग्नल ऐसा मैं बना रहा हूं और आपको इसे ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये आपका सिग्नल देखिए, ये आपका जो कि इसका एम्पलीट्यूड अभी यहां से आपका ये देखिए डिक्रीज करता हुआ देखिए ये चला जा रहा है। हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है सर, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है सर, तो इसका ग्राफ जो डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है, और ये डिक्रीज जो कर रहा है मतलब एनर्जी आपका घट रहा है सर, और एनर्जी घटता हुआ एक समय आएगा कि ये इस एक्सिस को टच कर जाएगा, मतलब एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि पर आपका एनर्जी सिग्नल, बहुत अच्छी बात है। और हम कितना टाइम तक लिए, ये हमारा एवरेज पावर होता है, पावर टोटल कंज्यूम किया डिवाइडेड बाय टी, या फिर हम कहें एनर्जी हमारा कितना कंज्यूम किया कितना टाइम में किया, ठीक है, ये हमारा एवरेज पावर होता है। पावर एवरेज पावर का क्या निकाले, एवरेज अगर पावर एक अलग अलग स्टेट के अंदर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो आपका पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एंड सो ऑन, और इस तरह से हमारा ये तीन के लिए हम देंगे तो यहाँ पर भी हमारा समय कितना होगा, इसके लिए टी, इसके लिए टी और इसके लिए टी, कितना हो गया सर, देखिए आपका ये आपका एवरेज है। जैसे कि एवरेज में किस तरह से निकालते थे, कुछ हमारा ऑब्जर्वेशन दिया होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बस इतना ही, ये हमारा कुछ दिया होता है नंबर, इसका हम एवरेज निकालने के लिए कहें तो क्या कहेंगे, टोटल नंबर का सम 1 प्लस 2
प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितना है सर? एक दो तीन चार पाँच और एक। अगर इंटर में डिवाइड कर दीजिए सर, यही आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज आएगा। और पावर का क्या कह रहा है यहाँ पे? एवरेज पावर जो होगा, एवरेज पावर जो होगा वो क्या होना चाहिए सर? जीरो होना चाहिए। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या आ गया, इसको अगर ऐड कर दे, छह और चार दस, तीन और दो पाँच, पाँच दस, दस और दस बीस, बीस प्लस एक सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर एक ग्राफ सर मैं ऐसा बनाऊं, ए रेस टू द पावर अगर हम ए का वैल्यू 5 रख दें और ई का वैल्यू सर फिक्स होता है, बात समझ में आ रही है? तो टाइम जब सर जब जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे टाइम, अगर हम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड ठीक है, इस तरह से, तो हमारा किस तरह से दिखेगा, हमारा ग्राफ देखिए सर किस तरह से दिखेगा। सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे ग्राफ कैसा दिखेगा, 1 रखेंगे 3 रेस टू द पावर 5। इसके बाद सर, इसके बाद देखिए आपका 2 सेकेंड के लिए दे रहे हैं, जब 2 सेकेंड के लिए देंगे इसके कंपेरिजन ज्यादा आएगा, इसके कंपेरिजन कुछ और वैल्यू ज्यादा आएगा। इस तरह से हमारा इस तरह से सर ये हमारा ग्राफ इस तरह से हम बना सकते हैं, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हमारा ग्राफ इस तरह से, ये हमारा e रेस टू द पावर 80 का ग्राफ है सर। e रेस टू द पावर 80 का क्या है? ये ग्राफ। अगर इस सिग्नल को ऑब्जर्व करें तब देखिए क्या होगा। अगर यहाँ से आपका पूरा आपका यहाँ से स्टार्ट तो हुआ, लेकिन अंत कहाँ जा रहा है सर? कहीं पता ही नहीं चल रहा है। ये तो बढ़ता जा रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। भाई एनर्जी में क्या था, 50 रुपये लिए थे, तो 50 का 50 क्या हुआ था सर? तो 50 का 50 आपका खत्म हो गया था। लेकिन सर यहाँ पे तो बढ़ता जा रहा है, जितना दे रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इस केस में ये एनर्जी सिग्नल नहीं होगा सर। एनर्जी सिग्नल नहीं होगा तो क्या होगा सर? तो ये एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम कहें तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी सिग्नल नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं यहीं पे आपका। देखिए सर, e रेस टू द पावर -80 इसका किस तरह से होगा सर? आप जरा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं e रेस टू द पावर 80 होल रेस टू द पावर -1। और ये इनवर्स में आ गया सर, क्या करेंगे सर? इनवर्स में आ गया तो क्या करेंगे? 1/e रेस टू द पावर 80। अब जरा सा बात करते हुए देखते हैं कि ये जो आपका क्वांटिटी अभी आ रहा था, ये क्वांटिटी तो आपका बहुत कम आ रहा था, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी से अगर डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, ग्राफ ऊपर बहुत ज्यादा होगा। चलिए यहाँ था तो इसके बाद फिर इसका वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कि इसका वैल्यू ओवरऑल का वैल्यू क्या होगा? घटेगा सर। इसका वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो इसका वैल्यू क्या होगा? कम जाएगा। और कमेगा जैसे कि आपका इसका ग्राफ जो शो करेगा वो इस तरह। देखिए सर, अब अगर हम बात करें कि ये कैसा सिग्नल है, तो सर यहां से इस पॉइंट से आपका नीचे के लिए अगर हम बात करें, इधर के लिए कहीं ना कहीं जाके टच कर देगा सर,
मुझे टच का सिग्नल एनर्जी सिग्नल हुआ, और अभी सिग्नल हम प्लॉट किए थे इस केस में भी हम कर सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम बात करें यहाँ तक का जीरो तक का तो ये एनर्जी सिग्नल होगा, लेकिन इसके बाद का सिग्नल अगर हम जीरो से इंफाइनाइट कंसिडर करें तो ये हमारा एनर्जी सिग्नल नहीं होगा। आप समझ में आ रहे सबको? ओके, तो ये वाला आपका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का हम बात करेंगे तो ये कैसा होगा, एनर्जी सिग्नल। इसी में एक सिग्नल और आता है, पहले सिग्नल को समझ लीजिए, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। देखिएगा क्या है सर, कुछ नया बताने वाला है क्या? तो नहीं सर, कुछ नया नहीं चलेगा, आपका एनर्जी पकड़ते तो जाइए, एनर्जी मिल जाएगा आपका तो एनर्जी सिग्नल आपका खत्म हो जाएगा। देखिए एक सिग्नल में कौन से वेक्टर है, ई रेज़ टू द पावर ए मॉड, क्या है सर, ए मॉड टी, ए मॉड टी, मतलब कि इसका एक वैल्यू पॉजिटिव होगा। देखिएगा मॉड टी को कौन से वेक्टर है, टी का अपन निगेटिव भी है सर और सर पॉजिटिव भी है, लेकिन हम मॉडुलस का मतलब जानते हैं कि ये हमेशा बाहर जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा सर। तो सर इसका कंडीशन कैसे समझे हम, तो टी का अगर वैल्यू हम मान लें कि एक, ठीक है ये किसके लिए, लेकिन सर अगर ये टी माइनस होता, ये टी अगर माइनस होता तो ये टी इज लेस देन, लेकिन टी से टी जो है जीरो से छोटा है, अब जीरो से छोटा है सर तो क्या होगा आपका, ये निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। चलिए अब इस केस में अगर ये टी हमारा निगेटिव हो गया तो मॉड ऑफ टी क्या होगा सर, तो मॉड ऑफ टी हमारा जो होगा माइनस ऑफ माइनस, और इस केस में जब प्लस का हम बात करें पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव तो आप जानते हैं आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है सर, और इसमें आपका मॉड लगाने की क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइनस रहता तब हमें टेंशन था, इसमें बाहर प्लस देगा तो मतलब वही देगा, मतलब ये प्लस ही है आपका बाहर में आपका तो कंडीशन समझ में आ गई। क्या समझ में आई सर, किसका दो वैल्यू देगा, क्या वैल्यू देगा, ई रेज टू द पावर e रेस टू दी पावर ए टी, ई रेस टू दी पावर ए टी, और ये जो है आपका, ये जो है आपका ये पॉजिटिव के लिए दे रहे हैं, टी इज ग्रेटर देन जीरो। सर एक सिग्नल होता है आप लोग को अभी बताया नहीं गया, वो बताया जाएगा, एक सिग्नल होता है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल, देखिए सर यूनिट स्टेप सिग्नल इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है, अगर ये इस निगेटिव के लिए बात करें इसका वैल्यू जीरो होता है, जबकि पॉजिटिव के लिए आपका इंफाइनाइट तक चले जाइए ना इसका वैल्यू वन ही होगा, तो ये आपका यूनिट स्टेप, जैसा कि पिछले क्लास में भी बताए थे एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे वो स्टेप सिग्नल होगा, लेकिन आपका वन एम्पलीट्यूड दे रहा तो ये यूनिट स्टेप। अगर इस सिग्नल से अगर इसको मल्टीप्लाई करते सर तो क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई की सीरीज में, तो इसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं U of T, तो आपका पॉजिटिव के लिए हो गया T is greater than 0, क्योंकि ये हमेशा तो पॉजिटिव के लिए देगा, लेकिन एक रेट आपका निगेटिव के लिए देगा, उसके लिए क्या करें, उसके लिए करेंगे सर e raise to the power माइनस ए टी, क्योंकि T के कारण ही माइनस होगा, ठीक है, तो U of माइनस टी, अगर माइनस टी करेंगे सर, अगर ये आपका U of T है, क्या है U of T है, माइनस करेंगे तो रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तब ये प्लस के लिए एडजस्ट कर रहा था, कैसा करेगा माइनस के लिए एडजस्ट करेगा, तो T इज रिप्लेस्ड बाय माइनस T, तब ये सिग्नल कैसा बनेगा सर, तो ये सिग्नल आपका इस तरह से बनेगा, देखिए ये आपका नेगेटिव के लिए आपका ग्राफ शो करेगा, ये नेगेटिव के लिए, और इसका एम्पलीट्यूड अभी भी वही होगा, कोई वेरिएशन नहीं। अब देखिए इस सिग्नल से आप मल्टीप्लाई करते हैं सिग्नल आपका निगेटिव पार्ट दे दो, तो निगेटिव के लिए क्या बचेंगे माइनस टी से यहाँ मल्टीप्लाई, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, तो अब क्या करें, टी इज लेस देन जीरो, ये जो आपका आया सिग्नल ये आपका आया ई रेज़ टू द पावर ए मॉड टी, चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ग्राफ हमारा स्टार्ट होता है, इसको मिटा देते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है, किस तरह से किए, अब देखिए इसके बाद सर
ये आपका एबी तो हमारा ग्राफ है, हमने प्रथम कुछ दिन पहले करवाए थे। लेकिन सर ये जो आपका मिल रहा था ये तो ये आपका जो मिल रहा था ये तो अपर रीजन है। लेकिन निगेटिव के लिए जरा से बात करें, ये पॉजिटिव के लिए निगेटिव के लिए बात करें तो e रेस टू द पावर माइनस एटी माइनस एटी। अगर हम लिखते हैं e रेस टू द पावर एटी का इनवर्स हमें बताया और इसका लिखते हैं बदल कौन, देखिए इस तरह से अभी कैसा ग्राफ मिल रहा था आपका, तो आपका ग्राफ कैसा मिल रहा था उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए सर ये आपका इस तरह से मिल रहा था ना, बिल्कुल। तो ये तो आपका निगेटिव, यहाँ पर देख रहे हैं स्पेस में निगेटिव के लिए दिए है सर, तो निगेटिव का हमारा ये कॉन्सिडर करेंगे केवल इसको मिटा मिटा गया सर जी, बिल्कुल। आप देखिए भैया पॉजिटिव के लिए एटी करेंगे कैसा ग्राफ जा रहा था, ये इधर से जा रहा था सर, इसको कट करके आगे बढ़ रहा था। तो ये तो हमारा पॉजिटिव के लिए है, तो निगेटिव के लिए करेगा नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो इसको मिटा देंगे। देखिए सर ये कभी भी ये कोलाइड करेगा, कभी भी इस एक्सिस को टच करेगा, दोनों ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो नहीं टच करेगा। तो सर ये भी सिग्नल हमारा कैसा हो गया, ये सिग्नल हमारा जो गया सर, ये भी सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इसके जगह पे e रेस टू द पावर माइनस ए मॉड टी, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको जैसे इसको प्लॉट किए वैसे ही इसको प्लॉट करेंगे और वो हमारा एनर्जी सिग्नल है। देखिएगा कैसे होता है, तो हम यहां प्लॉट करेंगे। देखिए तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन लेंगे पावर माइनस एटी। सर ये जो आप ले रहे हैं ये किसके लिए ले रहे हैं, पॉजिटिव के लिए। दूसरा कंडीशन में सर, दूसरा कंडीशन अच्छा ये पॉजिटिव के लिए भी, पॉजिटिव के लिए लेंगे तो ये हमेशा एटी होगा, क्यों, क्योंकि टी के जगह पे हम पॉजिटिव लिखेंगे मॉड टी, टी को हम पॉजिटिव रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा सर, e रेस टू द पावर माइनस एटी पे यही बन गया था सर। लेकिन अगर हम यही पे अगर हम बात कर रहे हैं निगेटिव के लिए क्या होगा, तो इस केस में e रेस टू द पावर एटी, क्यों सर, टी को रिप्लेस कीजिए मॉड टी है, टी को रिप्लेस कीजिए माइनस टी, क्यों, क्योंकि निगेटिव है। और इसका जो हम निकालेंगे तो ऑलरेडी क्या हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं सर ए माइनस माइनस टी, ये क्या हो जाएगा e रेस टू द पावर एटी बन गया, समझ में आ रही बात, e रेस टू द पावर एटी हुआ। तो हम निगेटिव के लिए लिखेंगे e रेस टू द पावर एटी और यहां पर क्या होगा सर u ऑफ माइनस टी, क्योंकि निगेटिव के लिए चीज करवाना है, ये हमारा t इज ग्रेटर देन 0 और ये हमारा t इज लेस देन। देखिए हमारा क्या सिग्नल बन गया, e रेस टू द पावर माइनस ए मॉड टी का क्या बना आपका इस फॉर्मेट, चलिए इस फॉर्मेट में बना तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। और प्लॉट किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन पूछता है ये सभी लोग ध्यान देंगे, ये देखिए टी इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि सर यू ऑफ टी का पंडा है, यू ऑफ टी का पंडा ये पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अभी हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे थे तो हमारा कैसे जा रहा था सर, हमारा इस तरह से जा रहा था, देखिए समझ में आ गया। लेकिन सर u ऑफ टी लगा हुआ है, पॉजिटिव के लिए एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको मिटा दीजिए सर। अब बात करते हैं इसका, तो अभी एटी का ग्राफ प्लॉट किए थे तो हमारा कुछ इस तरह से जा रहा था, देखिए। लेकिन सर ये जा तो रहा है लेकिन देख रहे हैं टी लेस देन 0, 0 से पहले, 0 से पहले सर, और 0 से पहले देखेंगे तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, 0 होगा सर, ये पार्ट आता है। देखिए सिग्नल कैसा मिला, तो सर सिग्नल तो हमारा इस तरह से मिला, तो ये देखिए तो ये भी एक्सिस को टच करेगा और ये भी एक्सिस को टच करेगा, और जब टच करेगा तो कैसा सिग्नल होगा सर, एनर्जी सिग्नल। देखिए एनर्जी सिग्नल होगा,
और इसको हम देंगे डिफरेंशिएशन पे क्या e रेज़ टू द पावर माइनस a मॉड t। देखिए सर आपका ये आपका बन गया तैयार हो गया एनर्जी सिग्नल। तो ये सारा कुछ एग्जांपल दिया हम एनर्जी सिग्नल का, जो कि आपको एनर्जी सिग्नल अगर पूछ लिया जाए डिफरेंशिएशन में तो आपको ये देखना है, ये फॉर्मूला देखना है और इसका कुछ एग्जाम्पल जो कभी करवाए उसको उसमें मेंशन कर देना। आपका कहानी खत्म, आपका नंबर मिल जाए। ठीक है, तो ये पूछे कि हमारे यहाँ पर कंटिन्यूअस टाइम होता है। हम डिस्क्रीट का बात करें तो चलिए डिस्क्रीट का बात करने के लिए फॉर्मूला आपको बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि सर फॉर्मूला के बारे में कुछ बता ही नहीं। देखिए तो जरा ये अगर ये कंडीशन जो है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी पर चली गई तो जीरो से इनफिनिटी। देखिए इंटीग्रेट करना है सर, क्या करना है इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में क्या होता है सर, एरिया फाइंड करते हैं हम, जैसे कि मैं कहूं कि इंटीग्रेशन करना है और लिमिट दे दिया गया सर कुछ इस तरह का फंक्शन है, इस तरह का कोई फंक्शन है तो सर लिमिट दे दिया गया है ये हमारा माइनस वन है और ये हमारा क्या है सर वन। तो इस पार्ट को आप हटा दीजिए और इस पार्ट का क्या निकाल दीजिए एरिया, समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा इंटीग्रेशन की मदद से हम इसका फाइंड करते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन देखिए जो फंक्शन आपका बन रहे गॉसियन फंक्शन, गॉसियन फंक्शन गॉस ला दिया था फिजिक्स में और उसका मतलब ये था कि कोई गोलार्ध अप्लाई होता था वो हमेशा क्लोज लूप हो जाता है। तो यहाँ पे सिग्नल में क्लोज लूप किस तरह से होगा सर, तो सिग्नल में होगा क्लोज लूप वो आपका इस तरह से ऐसा एरिया को कवर करेगा, ये जा रहा है टच करने के लिए टच कर देगा तो एरिया को कवर करेगा और जब एरिया को कवर करेगा एनर्जी सिग्नल होगा। तो एनर्जी फाइंड करेंगे सर इसके मदद से कि क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, अगर हम यहाँ से लिमिट कर दें माइनस वन टू वन तो क्या लिमिट हो जाएगा माइनस वन टू वन हो जाएगा सर। देखिए लिमिट चेंज कर गया, अब लिमिट चेंज करने के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा अभी सिग्नल जो बता रहे थे ई रेस टू दी पावर ई रेस टू दी पावर माइनस ए मॉड टी। अब ये सिग्नल रख देंगे और इसका वैल्यू जो लिखेंगे वो वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे और उसका स्क्वायर करने के बाद उसका इंटीग्रेट कर देंगे और वही हमारा एनर्जी निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? ओके, तो ये तो बात हुई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, लेकिन सर अगर सिग्नल हमारा डिस्क्रीट तब क्या करेंगे देखते हैं। डिस्क्रीट का हमारा जो कंडीशन बनता है वो कुछ इस तरह से, हमारा सिग्नल एक बॉन्डेड सिग्नल है, ये हमारा बॉन्डेड सिग्नल है और बॉन्डेड सिग्नल है सर तो बॉन्डेड सिग्नल होगा तो इसका लिमिट तो फिक्स होगा, ये बिल्कुल फिक्स होगा और लिमिट इसका मैं फिक्स कर रहा हूं ये हमारा कुछ ये आपका माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस ये वन टू थ्री फोर फाइव, इसका अपर लिमिट क्या है सर फाइव और लोअर लिमिट क्या है सर माइनस फाइव। देखिए तो डिस्क्रीट के लिए हम क्या यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे सर, इसके लिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए इसके लिए करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। देखिए सर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अब इस केस में ई इक्वल टू क्या लिखे हैं सिग्मा, यहां क्या था सर यहां सर आप इंटीग्रेशन का यूज किए यहां सिग्मा का यूज किए सर, ये जो आपका देता है ये क्या एक रीजन एक एरिया को मतलब किसमें अगर इस सिग्नल को मैं बना रहा हूं इसमें क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अभी तो एक सेकेंड लेवल पे हम बताए थे कंटिन्यूअस को, एक सेकेंड लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन से जो हमारा ग्राफ प्लॉट होता है वो हमारा कैसा होता है कंटिन्यूअस। लेकिन डिस्क्रीट में सर हम सेकेंड को छोड़ देंगे उसके बाद मिनट में बात, तो मिनट का ऑब्जर्वेशन 60 सेकेंड कंप्लीट होगा तभी तक आप क्लिक करेंगे लिख करेगा इसके बाद फिर 60 सेकेंड होगा तब तक क्लिक करेगा।
इस बार सेकंड में एक गैपिंग ऑफ मंथ, एक बार ब्रेक किया, फिर एक बार ब्रेक किया, फिर एक बार ब्रेक किया, फिर इस, लेकिन सर इसमें स्पेशल इनर्जिया स्टोर है और सिग्मा का भी यूज प्ले करते हैं सर, तो सिग्मा का यूज हम लोग एक स्पेशल स्पेशल एनर्जी को हम लोग ऐड कर रहे हैं नंबर का, जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं सिग्मा एन फ्रॉम एन फ्रॉम एन फ्रॉम वन टू फाइव और यहां दे देते हैं स्क्वायर, क्या लिखेंगे, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, एन का स्क्वायर मतलब इसके जगह पे वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, फिर थ्री रखेंगे, फिर फोर रखेंगे और फिर फाइव रखेंगे, इसका स्क्वायर निकाल करके स्क्वायर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यही तो कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए तो इसमें एनर्जी पार्टिकुलर स्कोर है, इसमें भी स्कोर है, इसमें भी स्कोर है, एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा एनर्जी पार्टिकुलर भी स्कोर है, और स्कोर ऐसे तो क्या करेंगे हमारा सिग्मा एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे सर, सिग्मा एन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन का स्क्वायर, देखिए सर सभी जगह पर है सर, लेकिन ये माइनस इनफिनिटी को हटा करके क्या करेंगे माइनस फाइव, और एन की जगह इनफिनिटी को हटा करके क्या करेंगे प्लस फाइव, अब देखिए सर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, फाइव पे ये आपका दे रहा है वन, तो वन का स्क्वायर करते हैं, दूसरा पे क्या है माइनस फोर पे, इसपे भी ये वन है सर, वन का स्क्वायर करते हैं, फिर इसके बाद कितना है सर, तो वन, वन का स्क्वायर करते हैं, फिर वन का स्क्वायर करते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पांचवा पे क्या है सर, और इसके बाद जीरो पर भी है सर, और इसके बाद वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इस तरह से हमारा देखिए एक दो तीन चार पांच, ये वाली जीत पे आ गया, एक दो तीन चार एक, देखिए तो सर ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है, जितना भी था उसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या लिखेंगे सर, तो जितना बार है सर उतना बार वन हो जाएगा, तो एक एक इसके लिए वन, 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 देखिए तो सर यही ना हमारा कितना है माइनस पांच से प्लस पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, मतलब प्लस पांच इधर और प्लस पांच इधर दस, तो एन कितना है, एन हमारा दस, दस एक हमारा मतलब कि टोटल एनर्जी कितना है, तो ये तो हम डिसिप्लिन टाइप के खेल में अगर यही टू कर देते तो एन की जगह क्या लिखते टू एन इंटू वन, अगर टू रहता तो एन इंटू टू प्लस वन ये लिखते, अगर एन की जगह थ्री रहता मतलब ये एन जो शो कर रहा है, ये एन जो शो कर रहा है नंबर ऑफ डिस्क्रीट इंस्टेंट और कितना है, और ये एक डिस्क्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रही बात, और इसका हम प्लस वन कर देंगे ये हमारा टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके निकल जाएगा। इसी तरह से हम अगर बात करें इस सिग्नल का, ये तो एनर्जी आपका डिस्क्रीट केस में कैलकुलेट हुआ, एक आपका कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, ये हमारा सिग्नल था, ये हमारा सिग्नल था सर, इसका एनर्जी कैलकुलेट करें, देखते हैं कैसे, तो ये हमारा क्या था एक्स ऑफ टी, ये हमारा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी यही कॉन्सिडर करेंगे, लेकिन हम जब करेंगे ऐसा तो हमारा जीरो आ जाएगा, इसीलिए इस कंडीशन में ये लिखा गया है कि इसको लेना है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो होता तो है बट लेना कहां से कहां तक है सर, जीरो से इंफिनिटी, तो ये हम लिमिट चेंज करेंगे क्या कर देंगे जीरो से इंफिनिटी, लेकिन डेफिनेशन में आपको लिखना है तो वहां आपको यही लिखना पड़ेगा और कंडीशन भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, अब इसका निकालते हैं, इसका क्या हम लिखेंगे एक्स टी बराबर ई रेज टू बी पावर ई रेज टू बी पावर एटी, एटी लिखते हैं यू ऑफ
u of minus t plus e raised to the power minus at u of, यही हम कभी बताएंगे इसका एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम साइड में लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। t इक्वल टू डिग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स की का होल स्क्वायर इंटू dt, मॉड इसलिए लगा हुआ है, मॉड है ये, आप इसको ऐसे मत समझते हैं ब्रैकेट ये आपका मॉड है, एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं है। कुछ भी आप काम कीजिएगा उसका पैसा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ काम किए और काम करने के बाद पैसा नहीं मिला और हमसे ही पैसा होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इस वजह से ये हमारा एनर्जी हमारा दिए। अब इसकी एनर्जी क्या करिए, जिनको अगर आइडिया है इंटीग्रेशन का वो भी साथ में, ठीक है, और जिनके पास आइडिया नहीं है वो मेरे साथ चलिए, इस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो जाइए, इस ट्रेन पे सवार हो जाइए, आपको सोल्यूशन तक पहुंचा ही देंगे सर। देखिए तो एनर्जी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स ऑफ टी इसका मॉडुलस का स्क्वायर इनटू डीटी। अब देखिए सर क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हम नहीं करेंगे, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं सीनियर को तो चलिए लिख लीजिए माइनस इंफिनिटी, यहां से हम अलग ये आपका किसके लिए है, निगेटिव के लिए, पहले हम इसका बात करते हैं e रेस टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस प्लस e रेस टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ, देखिए सर किस तरह से सोल्व होता है और इसका क्या है सर स्क्वायर इनफिनिटी और ये माइनस इनफिनिटी से। लेकिन सर अगर हम ब्रेक करें इसे तो ब्रेक करेंगे किस तरह से वो ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ई रेस टू द पावर इनफिनिटी इनटू यू ऑफ माइनस इनटू और इसका क्या करेंगे सर इसका, चलिए इसका बात करें नेक्स्ट का अलग अलग कर रहे हैं, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी इसका क्या करेंगे सर स्क्वायर करेंगे इंटू डी टी। अब क्या करेंगे सर, ये माइनस मतलब कि ये आपका माइनस इनफिनिटी से जीरो तक ही लाइक लिमिट चेंज कर दें, ये आपका माइनस इनफिनिटी से जीरो ई रेस टू द पावर ए टी। अब इसका यूनिट स्टेट इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आपका बना होगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा तो नहीं लिखें और इसका स्क्वायर कर दीजिए सर इंटू डी टी प्लस इसका लिखिए, ये आपका यूपी है मतलब कि आपका जीरो से पॉजिटिव के लिए एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि जीरो से प्लस इनफिनिटी जीरो से जीरो से प्लस इनफिनिटी बात समझ में आ रही है सबको, जीरो से प्लस इनफिनिटी कैसे हुआ, ये सिग्नल आपका यहां से लाइक कर रहा है जीरो से प्लस इनफिनिटी के लिए, जीरो से प्लस इनफिनिटी के लिए करेंगे टी रेस टू द पावर टी रेस टू द पावर माइनस ए टी और यू ऑफ टी तो आपका इसका वैल्यू वन होता है इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन को माइनस e रेस टू द पावर 2at ये लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि e a रेस टू द पावर a होल रेस टू द पावर a क्या लिखते हैं a रेस टू द पावर a इनटू a वही a इनटू a तो 2at हो जाएगा इनटू dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 0 टू इनफिनिटी। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे e रेस टू द पावर माइनस 2at इनटू dt। देखिए सर इसका हम निकालने जा रहे हैं तो क्या होगा e रेस टू द पावर e रेस टू द पावर 2at होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और इसका लिमिट कहां से कहां तक है सर, तो इसका लिमिट आपका इंफिनिटी सॉरी अभी तक चेंज नहीं किया ये जीरो हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा लिमिट से हम चेंज कर दिए थे तो ये आपका क्या होगा जीरो, ये
ये आपका क्या होगा माइनस वन प्लस इस केस में क्या होगा सर ई रेज टू दी पावर माइनस टू ए टी डिवाइडेड बाई माइनस टू क्यों टी हमारा वेरिएबल है इसके मल्टीप्लीकेशन में जितना है हमारा वेरिएबल नहीं है बल्कि वो हमारा इसका कोफिशिएंट तो अगर कॉन्स्टेंट टर्म होता है इसलिए उसको हम लोग नीचे हम लोग इंटीग्रेशन में इस तरह से अब देखिए तो जीरो से चलिए सर इसका क्या होगा तो वन अपॉन टू ए इस पर ऑपरेट कर रहे हैं तो टू ए इंटू जीरो माइनस नोबल को करेंगे तो क्या होगा ई रेस टू की पावर ई रेस टू की पावर टू ए इंटू इंफिनिटी ये आपका हो गया कंप्लीट अब इसके लिए हम बात करते हैं देखिए तो ई रेस टू की पावर माइनस ए इंटू इंफिनिटी ये आपका हो गया और माइनस ये आपका कितना है जीरो तो आपका यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ई रेस टू पावर माइनस टू ए इंटू जीरो और डिवाइड बाय कितना है सर माइनस टू ए चलिए इसको सोल्व करेंगे सभी लोग इसको सोल्व कीजिए और वही इसका एनर्जी निकल के आएगा देखिए क्या आएगा ये वन अपॉन टू ए ई रेस टू दी पावर समथिंग इंटू जीरो जीरो मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा सर वन है और इसका वैल्यू इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी क्वांटिटी में तो इनफाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा तो सर इसका वैल्यू कितना होगा इसका वैल्यू आपका जीरो हो जाता है और इसी तरह से हम इसका एक्स्ट्रा करेंगे ये आपका जीरो हो गया और ये आपका क्या हो गया सर वन और डिवाइडेड बाय माइनस जो कि आपका ये दोनों कट गए देखिए अभी नहीं काटते हैं नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं ऊपर से हम यहाँ पे कर रहे हैं ठीक है तो ये कितना आ गया वन अपॉन टू ए वन अपॉन टू ए और ये कितना आ गया सर प्लस माइनस वन अपॉन टू ए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया सर और एनर्जी मेरे पास क्या आया सर तो वन अपॉन टू ए प्लस वन अपॉन टू ए इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वन अपॉन टू ए से टू कट जाएगा सर क्या आया वन अपॉन ये आपके एनर्जी आ गया सर अब किस तरह से हम इसका फाइंड करते हैं एनर्जी बात समझ में आई सबको एनर्जी किस तरह से निकालते हैं डिस्क्रीट के केस में भी बता दिए और कंटिन्यूअस टाइम के केस में बता दिए सिग्नल आपको अगर अच्छी पकड़ है सिग्नल तो एनर्जी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम जो है आपका इसमें पूछा गया तो आप इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे और अच्छे से एनर्जी ठीक है इतनी बात क्लियर है अब हम लोग पावर सिग्नल पे बात करते हैं ठीक है सर तो अभी तक तो हम लोग को ये समझ में आया है कि एनर्जी का फॉर्मूला और उसे एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट टाइम के लिए और कंटिन्यूअस टाइम के लिए लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था उसका यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे डेरिवेशन क्या है देखिए हमारे पास वोल्टेज सोर्स है सिग्नल हमेशा क्या होगा इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होगा तो हमारे पास एक सर्किट है सपोज यहां से हम लोग वोल्टेज सोर्स चलिए वोल्टेज सोर्स तो दे दिए लेकिन ये वोल्टेज सोर्स से हम आउटपुट कहां से लेंगे सर लोड से लेंगे ये क्या है सर हमारा V नॉट मतलब ये हमारा आउटपुट है सर ऐसे हम लोग लोड को आगे लेंगे इसकी जगह पे आप पाइप का यूज कर लीजिए इसके जगह पे आप बल्ब का यूज कर लीजिए तो इसे तो आउटपुट ले रहे हो अभी पढ़ा रहे हैं क्या है लाइट तो लाइट क्या है ये लाइट क्या है एक प्रकार का एनर्जी जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अच्छा ये जब ट्रांसफॉर्म करेगा तो इसका बिल भी आएगा बिल तो आएगा ना उसी के रूप में हमने सबसे पहला हमें यहाँ पे क्या कंसीडर किए हैं एक्स क्या है हमारा एक वोल्टेज तो सपोज एक्स टी इज ए वोल्टेज सोर्स लिख सकते हैं आप वोल्टेज सोर्स लिख दीजिए ना सोर्स को बात वोल्टेज सोर्स दैट इज अप्लाइड अक्रॉस आर ओम रेजिस्टर कितना ओम आर ओम इसका क्या है सर इसका रेजिस्टेंस आर ओम
ठीक है सर, आर विच इज गिवन, जैसा कि सर्किट में आपको दिखाया गया है सर, तो क्या होगा यहाँ से करंट खत्म होगा, ये पहले फाइंड कर ले, तभी तो हम धीरे धीरे हम लोग पावर पहुंचेंगे और पावर का इंस्टेंटेनियस पावर का कलेक्शन हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, वही हमारा टोटल एनर्जी होगा। क्यों? जितना एनर्जी हम यूज किए उसी के अकॉर्डिंग तो हमारा बिल आता है। हम बल्ब को जलाएंगे बिल कहां से आएगा सर, बिल मीटर में जो है आपका कुछ सोने के मतलब एनर्जी, तो कहां से तो कंज्यूम कर रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है सर, पावर कंज्यूम कर रहा है, किसके फॉर्म में सर, एनर्जी के फॉर्म में। तो पहले हम पावर को क्या कनेक्ट कर देते हैं, तो पावर के लिए हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए, और क्या चाहिए सर, हमारा वोल्टेज चाहिए। इस वोल्टेज सोर्स से हम कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर आर इज आईटी, आईटी हमारा क्या है, करंट फ्लो कर रहा है इस वोल्टेज सोर्स के कारण। कहाँ हम ढूंढेंगे, लोड पे लेंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम। तो यहाँ पे आई बराबर क्या होगा, हम जानते हैं वी बराबर होता है क्या, वी बराबर होता है सर आई इंटू आर, आई क्या है सर, करंट है, और आर क्या है सर, ये रेजिस्टेंस है। अगर इसको शिफ्ट कर दीजिए सर, तो वी बटा क्या हो जाएगा सर, आर, और ये क्या हो जाएगा सर, आई। इसी को हम फंक्शन के रूप में लिखे, आई टी बराबर, आई टी बराबर एक्स टी अपॉन आर, वोल्टेज क्या है यहाँ, एक्स टी है, तो एक्स टी अपॉन क्या होगा सर, आर। तब हम यहाँ से पावर निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर, उसका क्या होता है, तो वी पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है वी इंटू आई होता है। अगर जिनको बात पता है अच्छी बात है, नहीं तो एक और फॉर्मेट आप देख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या लिखे, वी स्क्वायर अपॉन आर। चलिए वी को तोड़ देते हैं, वी बराबर क्या लिखे, आई इंटू आर, ये दो बार दिखाएगा सर, आई इंटू आर डिवाइडेड बाई, ये आर से आप काट दीजिए सर, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। देखिए ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हमारा हो गया V into I, फॉर्मेट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा सर, तो हमारे पास वोल्टेज क्या है, HT है, और करंट क्या है, IP है, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, एक है इंस्टेंट का पावर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे हैं वो हमारा सेकंड लेवल पे कर रहे हैं, सेकंड टाइम की बात कर रहे हैं, सेकंड लेवल पे कर रहे हैं, तो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम फाइंड हो जाए कितना देर में इतना पावर हमारा कंज्यूम कर रहा है, तब उसी बेसिस पे एनर्जी निकलेगी, तो हमारे पास ये हमारे इंस्टेंटेनियस पावर है। अब इसका वैल्यू हम सब सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें आईटी का, आईटी का नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आईटी, अगर करंट का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा सर, एक्स टी इंटू एक्स टी अपॉन आर, वेव लिखे थे एक्स टी अपॉन आर वी स्क्वायर अपॉन XT का स्क्वायर अपॉन आगे सर, XT का स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन, चलिए तब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर है, लेकिन हम कहें एक घंटा में हम जो है 5 किलोवाट जो है पावर हम ले रहे हैं उससे, मतलब कंज्यूम हो रहा है, तो दिन भर में कितना लेंगे, एक घंटा में इतना था 24 घंटा में 24 गुना जो भी है, तो ये हमारा टोटल पावर होगा। तो इसी तरह से इंस्टेंटेनियस पावर के द्वारा हम टोटल एनर्जी अगर कैलकुलेट करना चाहिए क्या करेंगे सर, तो उसके लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बताया कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए क्या करेंगे, समेशन के रूप में तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए सर इंटीग्रेट करें, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इंटीग्रेट द इंस्टेंटेनियस पावर, पावर को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करेंगे, डिसिपेटेड एनर्जी कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी पीटी। अब पीटी बराबर क्या निकालते हैं सर, पीटी बराबर हमारा यही निकल के आया सर, एक्सटी का स्क्वायर कौन एक्सटी का स्क्वायर कौन। अब देखिए सर आर जो लेते हैं, अगर एक्चुअल वैल्यू आप इसका निकालना चाहिए एनर्जी का, तो आर का वैल्यू आपको मिनिमम रखना है, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी डिसिपेट नहीं करता, मोस्टली जितना यूज कर रहे हैं उसके द्वारा वो होता है, तो आर का वैल्यू कितना हम रखेंगे, एक्चुअल निकालेंगे क्योंकि 1 रखेंगे
तब हमारे पास नेक्स्ट जो आया वो क्या आ गया, एनर्जी। सो दैट इज द ई, तो ई रिलेटेड टेंशन, ई बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स स्क्वायर टी, एक्स स्क्वायर टी होल डिवाइडेड बाय 1, मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी बराबर आ गया एक्स, एक्स टी का स्क्वायर। अच्छा सर, एक्स टी का स्क्वायर आ गया इंटीग्रेशन का, तो लिखेगा हम लिखेंगे सर माइनस इनफिनिटी टू, ये हमारा एनर्जी निकल के आ गया। यही अभी हम पढ़ रहे थे और इसका यूज कर रहे थे, लेकिन ये आया कैसे ये समझ में आया आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं रखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिले, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इस क्लास में